वाह, अभी ये देखिए हार्दिक पांड्या जा रहे हैं। अभी हम लखनऊ एयरपोर्ट पे हैं और लखनऊ लवर्स के इस चैनल मरीन ड्राइव के ऊपर इससे ज़्यादा खुशकिस्मती मेरी नहीं हो सकती कि मेरी अभी फ़्लाइट थी और अभी हम जस्ट लैंड करें और हमें पता चला कि इंडियन टीम भी यहाँ पे आ रही है। और क्योंकि कल मैच है जिसका टिकट मेरे पास है, आपको पता ही है, कल हम देखने आ रहे हैं। तो अभी देखिए हार्दिक पांड्या गया, अभी और लोग भी यहाँ से आएंगे और ये इंडियन टीम वो देखिए वहाँ पे, ओ माय गॉड। तो ये कितनी एक अमेजिंग आज किस्मत है, तो हमने सोचा कि अपने भाइयों को भी दिखाया जाए। वो देखिए, वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग। हेलो हेलो सर। तो इससे पहले हम एक बार, बहुत पहले जब छोटे थे तो इंडिया इंग्लैंड का मैच हुआ था कानपुर में, तब यहाँ पे हम ऐसे ही एज अ फैन आए थे देखने जैसे वो लोग खड़े हुए हैं। और आज किस्मत है कि कल मेरे पास टिकट भी हैं मैच के और हम यहाँ पे थे, और मेरी खुशकिस्मती है कि हम इंडियन टीम को देख पाए। उस टाइम पे भी हमने धोनी को और सबको देखा था जब कानपुर में मैच था, बट ये तो जस्ट मतलब हम लकी हैं क्योंकि अभी हमें क्या पता था कि इस टाइम पर मेरी फ़्लाइट लैंड हो रही है, इस टाइम पर ही ऐसा होगा। वाओ, देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे सब जो है टीम को देखने के लिए आए हैं। कितना ही किस्मत है, कितना अच्छा लग रहा है भाई। सेकेंड टाइम है और उस टाइम पे हमें याद है कि जब धोनी वोनी उधर से निकले थे इंग्लैंड टीम, हमने आई थिंक पीटरसन को भी देखा था उस साइड से। और ये देखिए, तो उस टाइम पे वो एक अखबार वाला वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसने मेरी फ़ोटो ली थी और वो पेपर में दूसरे दिन निकल के आई थी फ़ैन फीवर, क्योंकि हम इंडियन टीम के ऑब्वियसली बहुत बड़े फ़ैन थे तब भी। और वो अभी तक मेरे पास रखा हुआ है वो करके हमने, जबकि काफ़ी पुरानी मेरे स्कूल डेज की बात हो चुकी है। वाह, तो लखनऊ लवर्स के चैनल मरीन ड्राइव पे ऐसे ही मिलते रहेंगे और लखनऊ की बातें होती रहेंगी, बट आज तो सच में हम बहुत लकी फील कर रहे हैं। तो कल जो ही भाई मैच देखने आ रहे हैं हम भी आएंगे वहाँ पे, आप लोग मिलिएगा। चलिए, आज तो सच में दिल कह रहा है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में मिलते हैं। बस ये वीडियो एंड कर देते हैं।